आई होप कि मेरी YouTube फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि अनार को कैसे निकालते हैं और उसका जूस कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, अब हम निकालते हैं अनार। सबसे पहले ये देखिए, हम पहले सबसे पहले इसका ये ऊपर से उतारेंगे, ठीक हो गया। फिर एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इस एक यहाँ से। इससे ये होता है कि आपका जूस गिरता नहीं है। इसके ऊपर से ये भी उतार लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे इसके फोर पार्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके हमने फोर पार्ट्स बना लिए हैं, अब इसके हम निकालेंगे। ये देखिए, पहले हमने एक पार्ट पकड़ा, उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया और ऐसे बहुत ही आसान एक सेकंड के अंदर निकल जाएगा। ये देखिए, थोड़े से रह गए, वो हम हाथ से कर लेंगे। चलो जरा जोर से मारना। ये देखिए, तो बिल्कुल खाली हो गया। अब देखिए ये वाला, इसको भी ट्विस्ट करेंगे ऐसे और जोर से, जैसे जोर लगा के हईशा वाला जोर, ठीक हो गया। अब ये देखिए, ये भी खाली हो गया। अब हम दूसरा पकड़ेंगे, इसको भी ऐसे ट्विस्ट करेंगे एंड देन जोर से। चलो जी, ये हमारा अनार निकल गया। अब जो थोड़ा बहुत रह गया वो मैं हाथ से निकाल लूंगी। ये देखिए, हमारा अनार निकल गया। अब हम इसका जूस बनाएंगे। अब हमें जूस बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। दो अदद अनार मैंने इसमें एक और काट लिया है, और ये बाउल है। एक इस तरह की स्ट्रेनर चाहिए होगी। ये काला नमक है, ठीक है। जग और मशीन हमें चाहिए होगी। चलें, अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ करो। अब इसमें हम अनार डालेंगे। वन फोर्थ टीस्पून इसमें काला नमक जाएगा। अब इसमें हम जितना अनार है उतना पानी डालेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कुछ लोग प्योर नहीं पीते क्योंकि अनार खट्टा होता है, तो हम इसमें पानी डाल के भी इसको बना सकते हैं। तो अब मैं इसमें पानी डाल दिया है, अब मैं इसको ब्लेंड करूंगी। और इसमें मैंने चीनी नहीं डाली क्योंकि मुझे चीनी नहीं पसंद है, मुझे इसका रियल टेस्ट ही पसंद है, इसलिए मैं चीनी नहीं डाल रही। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब ये देखिए, मैं इसको स्ट्रेन करने लगी हूँ। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे करने से ये देखिए कितना अच्छा साफ हो जाता है। अब ये देखिए, इसमें मैं जो जग का थोड़ा सा हंगाल था वो डालूंगी, ठीक है। चलें जी, हमारा ये जूस बनके तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसको ग्लास में डाल के दिखाती हूँ। ये मज़े का अनार का जूस हमारा तैयार हो गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।